वेलकम बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि मनुष्यों का जीवन, जानवरों का जीवन, सभी का जीवन पेड़ों पे ही निर्भर करता है। हमारे जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, दैनिक वस्तुएं हैं, वो सभी पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ों के बारे में। वैसे भी कहा गया है पेड़ मनुष्यों का सबसे सच्चा मित्र होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। ये है क्लास 3 का साइंस बुक चैप्टर 1.2 प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब है पौधे। आज हम लोग पौधे के बारे में पढ़ाई करेंगे। आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुलार चंदास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्लांट्स अराउंड अस, पेड़ पौधे हमारे चारों ओर जो हैं। लेट अस गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड अस। बाहर जाइए और अपने चारों ओर के पेड़ पौधों को देखिए, परखिए। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ आपको बहुत सारे पौधे, अलग अलग प्रकार के पौधे मिलेंगे। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन कलर ऑन द सॉइल। कुछ पौधे आपको बड़े पौधे मिलेंगे, कुछ छोटे मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ जमीन पे हरे हरे कलर का धब्बा जैसा दिखाई देंगे। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन। किसी किसी में, कुछ पेड़ों में आपको हरी पत्तियां मिलेंगी और कुछ में आपको लाल पत्तियां भी मिलेंगी। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स और किसी में आपको बड़ा सा लाल फूल मिलेगा। सम हैव टीनी ब्लू वंस और किसी में ब्लू कलर का छोटा छोटा फूल मिलेगा। वाइल सम हैव नन और किसी किसी में कोई भी फूल नहीं मिलेगा। वी सी ए वराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम लोग अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे कि एज होम, अपने घर में, इन द स्कूल गार्डन, स्कूल के गार्डन में, ऑन द वे एंड इन द पार्क, चलते हुए रास्तों में हम लोग देखते हैं, और पार्क में भी हम लोग इस तरह के पौधे, कई अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार, कितने प्रकार के पौधे होते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स, कि आप नज़दीक से देखिए पेड़ पौधों के स्टेम, तना को और ब्रांचेस, उसके डालियों को। दैट आर मच स्मॉलर, कि हो सकता है वो काफ़ी छोटा हो। मच बिगर, बहुत बड़ा हो सकता है। हार्डर, कठोर हो सकता है। टॉलर, लंबा हो सकता है। टेंडर, मजबूत हो सकता है। थिक, वो मोटा हो सकता है, या फिर थिन एंड थिन, वो पतला हो सकता है। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। इसके आधार पर ये जो बतलाया गया, इतने सारे चीज़ बतलाए गए यहाँ पे, छोटा, बड़ा, लंबा, इस तरह का जो है, इसके आधार पे पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, बाँटा जाता है, जिसमें से हर्ब्स, जिसमें से जड़ी बूटी हो गया, ये छोटे पौधे होते हैं, उसको हर्ब्स बोला जाता है। श्रब्स हो गया, झाड़ीदार पौधे जो होते हैं, उसको श्रब्स बोला जाता है। ट्री, जो बड़े पेड़ होते हैं, वो ट्री होते हैं। क्लाइंबर्स, जो लताएं होती है, उसको क्लाइंबर्स बोला जाता है। और जो लताएं ग्राउंड में फैलती है, जमीन पे फैलती है, उसको क्रीपर्स बोला जाता है, रेंगने वाले पौधे। ट्रीज, अब ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड, थिक एंड ब्राउन स्टेम। कुछ पौधे बहुत ही लंबे होते हैं, कड़े होते हैं और घना होते हैं। एंड ब्राउन स्टेम, और भूरे कलर का स्टेम, उसका तना हो जाता है, इस तरह के पौधा होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, और जमीन से काफ़ी ऊंचे पर उसका ब्रांचेस, डालियां उगता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इस प्रकार के पौधे पेड़ कहलाते हैं, जैसे कि बनियान, नीम, मैंगो, कोकोनट, इटीसी। बनियान का मतलब है बरगद का पेड़, नीम का पेड़ तो आप लोग जानते ही हैं, मैंगो, आम का भी पेड़ जानते हैं, कोकोनट, नारियल का पेड़, और इस प्रकार के बड़े पेड़ जितने भी होते हैं वो ट्री कहलाते हैं। और इसके आगे दिया हुआ है, इसके बाद है श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ीदार पौधे, जो झाड़ी जैसे होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, कुछ पौधे पेड़ों से, ट्रीज से छोटे होते हैं, पेड़ों से वो छोटे होते हैं। दे हैव ब्रांचेस नियर द बेस, उनके डालियाँ
ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, नज़दीक में ही मिल जाते हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। उसका स्टेम तना हार्ड होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। हार्ड मतलब कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। दे आर कॉल्ड श्रब्स। ये झाड़ीदार पौधे कहलाते हैं, जैसे कि रोज, चाइना रोज, तुलसी इटीसी, गुलाब हो गया, चाइना गुलाब हो गया और तुलसी का पौधा। इसके अलावा और भी झाड़ी वाले पौधे हैं, इटीसी मतलब इत्यादि। हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटी होता है या छोटे पौधे। सम प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। कुछ पौधे जिसके तने हरे कलर के और मुलायम होते हैं या सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। टेंडर का मतलब भी मुलायम होता है, सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब भी मुलायम होता है। सॉफ्ट ग्रीन स्टेम जिसका तना हरा हो और मुलायम हो, इस प्रकार के पौधे हर्ब्स, जड़ी बूटी वाले पौधे कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। या हर्ब्स का मतलब औषधीय पौधे भी होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, ओनियन, मिंट, कोरिएंडर इटीसी। वीट गेहूं हो गया, चावल का पौधा हो गया, प्याज का, और मिंट पुदीना का हो गया, और कोरिएंडर धनिया का पौधा हो गया। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो इसलिए क्लाइंबर्स का मतलब हो गया चढ़ने वाले पौधे, इसको लताएं बोलते हैं हम लोग। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम टेक सपोर्ट टू नेबरिंग स्ट्रक्चर्स और ट्रीज टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ पौधे जिसके तने काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, उसको सामने से कोई ऐसा कुछ चढ़ने के लिए मिल जाए, या तो दीवार हो, या कोई झाड़ी हो, या कोई सूखी लकड़ी हो, या फिर कोई पेड़, उसको अगर चढ़ने के लिए मिल जाए तो वह उसमें चढ़ जाता है। इस प्रकार के पौधे जो दूसरे पौधे को सहारा बना के उस पर चढ़ते हैं और बड़े होकर उसमें फैलते हैं और फिर उसमें फल लगता है, इस तरह के पौधे क्लाइंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि पम्पकिन, पी, मनी प्लांट, बीन्स इटीसी। पम्पकिन कद्दू हो गया, पी मटर, मनी प्लांट्स इसमें कुछ लगता नहीं है लेकिन लोग इसको लगाते हैं घरों में, बीन्स, बीन्स सेम का जो लत होता है उसको बीन्स बोला जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी लताएं होती हैं। क्रीपर्स, क्रीपर्स, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंगने वाले पौधे जो होते हैं उसको बोलते हैं क्रीपर्स। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट। कुछ पौधे जो होते हैं उसके स्टेम काफ़ी कमज़ोर होता है, वीक स्टेम, कमज़ोर तना वाले पौधे, और वो अपराइट, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकते, और वो सीधा खड़ा नहीं रहने के कारण क्या होता है, वो ग्राउंड में ही फैलते रहते हैं, ज़मीन पे स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, वो फैलते रहते हैं, और इस तरह के ग्राउंड पे फैलने वाले पौधे को क्रीपर्स बोला जाता है, रेंगने वाले पौधे, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तरबूज, ककंबर, खीरा हो गया इटीसी। इस तरह के और भी पौधे होते हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, पौधों में विभिन्नता। यू हैव ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अवर लोकेलिटी। क्या आपने देखा होगा अपने ही आसपास में, अड़ोस पड़ोस में अलग अलग प्रकार के पौधे आप देखते होंगे। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी रिस्पेक्ट सच एज, कि वे एक दूसरे से कई रूप से, कई तरह से अलग होते हैं, जैसे कि शेप, उसका आकार अलग होता होगा, साइज, उसका साइज छोटा बड़ा में इसमें अलग होता होगा, इस प्रकार के और कई तरह से वो अलग होते हैं एक दूसरे से। अदर देन दिज सम डिफरेंसेस आर देयर इन देयर ग्रोसी प्लेसेस। इसके अलावे कुछ उनमें डिफरेंसेस, कुछ विभिन्नता इस प्रकार की होती है, जैसे कि ग्रोसी प्लेसेस, वो उस जगह में किस कंडीशन में उग पाते हैं, इसके वजह से भी कई पौधों में बदलाव आ जाता है, उसका जलवायु, उस वहाँ पे मिट्टी कैसा है, इस पे डिपेंड करता है, इस तरह में भी, इस तरह से भी उसमें कई तरह के बदलाव आ जाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर आर कॉल्ड एज एक्वाटिक और वाटर प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं, तो ऐसे पौधे को जो पानी में उगते हैं उसको एक्वाटिक, जलीय या वाटर प्लांट, पानी वाला पौधा कहा जाता है, जैसे कि वाटर लिली, लोटस। वाटर लिली का पौधा जो होता है वो पानी में उगता है, लोटस कमल का पौधा जो होता है वो भी पानी में उगता है, तो ये सारे पौधे एक्वाटिक प्लांट कहलाते हैं। इसके आगे देखते हैं, सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन डेजर्ट आर कॉल्ड एज जेरोफाइटिक प्लांट्स। कुछ पौधे जो सिर्फ मरुस्थल में उगते हैं उसको जेरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैक्टस, एलोवेरा, बबूल, इस तरह के पौधे जो होते हैं वो डेजर्ट, मरुस्थल में उगते हैं, जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होता है उसको डेजर्ट बोला जाता है। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन हिली और माउंटेन रीजन।
कुछ पौधे हिली पहाड़ी और पहाड़ों पर, छोटी छोटी पहाड़ियाँ या पहाड़ों पर ही उगते हैं। दे लुक कॉन्सेप्ट एंड कॉल अल्पाइन ट्री। इसका आकार कोन की तरह होता है, जो ऊपर से नुकीला होता है और नीचे में फैला हुआ होता है। कोन का आकार आपको मैं दिखाता हूँ, एक पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। जो हिली माउंटेन रीजन में पेड़ उगते हैं उस तरह के, ये देखिए इस तरह के पौधे जो होते हैं, देख रहे हैं ऊपर से नुकीले हैं और नीचे से फैले हुए हैं। इस तरह के पौधे माउंटेन एरिया में उगता है। इस तरह के पौधे को अल्पाइन ट्री कहा जाता है, जैसे कि पाइन्स हो गया, केडर हो गया, फर हो गया, ETC। ये पेड़ों के नाम हैं जो वहाँ पे माउंटेन में उगते हैं। थिंग्स मेड अप ऑफ प्लांट्स, वे चीज़ें जो हम लोगों को पौधों से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। पौधे हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाते हैं। प्लांट्स गिव अस ऑल द लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स, सो इट इज कैन बी सेड दैट दे गिव अस लाइफ। पौधों से हमें जीवन जीने के लिए सारी वस्तुएं मिलती हैं, सो इट कैन बी सेड दैट दे गिव अस लाइफ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पौधे से ही हमारा जीवन है। फूड क्या मिलता है हम लोगों को? पौधों से फूड मिलता है, भोजन मिलता है। द प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर अस, पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में सीरियल्स हो गया, सीरियल्स अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गया, फ्रूट्स फल हो गए, और इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लावर्स। पौधों से हमें फूल प्राप्त होता है, फूलों से भी हमें कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड रोज गिव अस फ्लावर्स। पौधों से हमें गुलाब जैस्मिन का फूल प्राप्त होता है, दैट आर यूज फॉर वर्शिप एंड डेकोरेशन। इस फूल को हम लोग या तो पूजा करने के काम में लाते हैं या फिर सजाने के काम में लाते हैं, डेकोरेशन के काम में। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक। इससे हम लोग परफ्यूम मतलब इत्र, सेंट बनाने के काम में लाते हैं, और कॉस्मेटिक का अर्थ है कि क्रीम वगैरह जो बनाते हैं चेहरे पे जो लगाते हैं क्रीम, उसको कॉस्मेटिक बोला जाता है। सुंदरता बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उसको कॉस्मेटिक बोला जाता है। फ्यूल, ईंधन के रूप में हम लोग पौधों का यूज करते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई लीव्स, जैसे कि उसके सूखे हुए पत्तों को हम लोग जलावन के रूप में काम लाते हैं। इसके अलावा एंड वुड्स, उसकी लकड़ियों को फॉर कुकिंग एंड कीपिंग अ वर्म, उसके लकड़ियों को हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कीपिंग अ वर्म, ठंडे के दिनों में हम लोग लकड़ियाँ जला के और अपने शरीर को गर्म करते हैं। आगे दिया हुआ है टिम्बर। टिम्बर एक पेड़ है, पेड़ का नाम है। द प्लांट्स प्रोवाइड टिम्बर और वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, टिम्बर की लकड़ियाँ हम लोग घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फर्नीचर, लकड़ियों के जो सामान हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, टेबल कुर्सी इस तरह के, और भी लकड़ियों से बनने वाला चीज़ें जो होती है उसको फर्नीचर कहा जाता है। ब्रिज एंड शिप्स, ब्रिज का अर्थ होता है पुल। हम लोग पुल बनाने के लिए भी लकड़ियों का उपयोग करते हैं। एंड शिप्स, लकड़ियों से ही शिप्स बनाया जाता है। शिप पानी जहाज जो बनता है वो लकड़ियों से बनता है। पेपर, कागज़ जो हम लोग कॉपी किताब यूज करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, कागज़ से ही बुक बनता है, ये भी लकड़ियों से बनता है। पेपर बनाने के लिए जैसे कि द बम्बू ग्रास एंड पेपर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। बांस से और घास को और पेपर प्लांट्स के लिए जो पौधे होते हैं स्पेशली, उसको यूज़ किया जाता है कागज़ बनाने के लिए। इसके अलावा मेडिसिन, दवाई भी हम लोगों को पौधों से मिलता है। सम प्लांट्स आर यूज टू क्योर डिजीजेस लाइक कोल्ड कफ, स्किन डिजीज, टैन, ETC। कुछ पौधे बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि ठंड हो गया, सर्दी खांसी, ये कफ खांसी हो गया, स्किन डिजीज, चर्म रोग हो गया, पैन दर्द, इस तरह के कई सारे बीमारी हैं जो पौधों से इसका इलाज किया जाता है। एग्जाम्पल, मिंट पुदीना हो गया, तुलसी, लेमन ग्रास, इकलिप्टस, नीम, ETC। ये सारे पौधे दवाई के रूप में यूज होते हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। स्पाइसेस, पौधों से हम लोगों को मसाले मिलते हैं। स्पाइसेस, सम प्लांट्स यूज इन फूड फॉर फ्लेवर आर कॉल्ड स्पाइसेस। कुछ पौधों को भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे मसाले कहते हैं। एग्जाम्पल में क्यूमिन हो गया, जीरा, क्लॉब्स, लौंग हो गया, पीपर, काली मिर्च जो होता है जिसको आम भाषा में गोलकी भी कहा जाता है, और इस तरह के कई सारे मसाले हैं, और सारे मसाले पौधे से ही प्राप्त होते हैं। सो मैनी अदर यूजफुल थिंग्स आर मेड बाई प्लांट्स लाइक फाइबर, कैम्फोर, एसेंशियल ऑयल, टेनिस, डाइज, गम्स, रेजिन्स, ETC।
और बहुत सारे यूजफुल चीज़ें हैं जो पौधों से ही बनाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर हो गया, बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। केम्फोर का मतलब होता है कपूर। एसेंशियल ऑयल और ज़रूरी तेल भी पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। कई सारे तेल जो हम लोग लगाते हैं बालों पे, शरीर पे, नारियल तेल आप मान के चलिए वो भी पौधे से मिलता है, सरसों का तेल वो भी पौधे से मिलता है, और टेनिस वैसे पदार्थ होते हैं जो केमिकल जैसे पदार्थ होते हैं वो दवाइयों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद डाइज हो गया, डाइज का मतलब है मेहंदी हो गया, या तो लाल मेहंदी हो गया या ब्लैक मेहंदी हो गया जो बालों में लगाया जाता है। गम्स और गोंद हो गया, रेजिन्स इटीसी। रेजिन्स का मतलब होता है जो लकड़ियाँ हम लोग पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे धूप हो गया, धुना हो गया, इस तरह की चीज़ें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ों से प्राप्त होती है। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। पेड़ पौधे जानवरों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पे रहते हैं घोंसला बना के पक्षियाँ या जानवर जो है उस पे चढ़ के रहते हैं, या तो फिर उसके नीचे भी रहते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। पेड़ पौधे खाना बनाने के दौरान, वे जब खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वही ऑक्सीजन मनुष्य और जानवर उसको श्वसन के रूप में लेते हैं, उसी का सांस लेते हैं। सम न्यू प्लांट्स, कुछ नए पौधे। प्लांट्स आर वेरी यूनिक एंड इम्पोर्टेंट क्रिएचर ऑफ द नेचर। पौधे इस प्रकृति में बहुत ही अनोखे और बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। यू हैव लर्नड अबाउट यूजफुलनेस, आप इसके उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द प्लांट्स दैट वी सी आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन नेचर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकृति में नए रूप से नहीं उग पाते हैं। एक पौधा जैसे उगा हुआ है तो उसका दूसरा पौधा उगेगा ये मुमकिन नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाई टेक्नोलॉजी ऑफ हाइब्रिडेशन। तो ऐसी स्थिति में एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है ताकि दूसरा पौधा उग जाए, तो इस टेक्नोलॉजी को हाइब्रिडेशन कहते हैं। उसको अगर आम भाषा में कहें तो उसको कलमी कहा जाता है। उसी पौधे को उसके डालियों को काटकर और दूसरे जगह लगा दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड न्यू प्लांट्स, इस प्रकार के पौधे को नए पौधे कहा जाता है। दीज वर नॉट प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। इस प्रकार के पौधे जब आपके दादाजी थे उस समय में ये सारे पौधे नहीं मिलते थे, ये पौधे नहीं पाए जाते थे। सम प्लांट्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बैक एंड सम द इंडेंजर्ड और आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत पहले ही इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, मतलब अब उनकी कोई भी प्रजाति बची नहीं हुई है, वह नष्ट हो चुके हैं। और कुछ पौधे नष्ट होने के कगार पे हैं, इंडेंजर्ड मतलब विलुप्त हो रहे हैं, कहीं कहीं वो पौधे हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट या फिर वो लगभग लगभग ख़त्म होने की स्थिति में हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। प्लांट्स सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स लाइक स्कैर्सिटी ऑफ फूड, कंट्रोल पोल्यूशन एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट। पौधे कई तरह से कई समस्याओं को दूर करते हैं, जैसे कि भोजन की कमी को दूर करते हैं, पोल्यूशन प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को पर्यावरण को एक संतुलित कर सकते हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन इन होम फॉर डेकोरेशन, कुछ पौधों को घरों के सजावट के लिए उगाया जाता है। ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो अराउंड अस, सभी प्रकार के पौधे हमारे चारों ओर नहीं पाए जाते। वी हैव लर्न अबाउट प्लांट्स, हम लोग प्लांट के बारे में यह सीख चुके हैं। इट्स टाइप, इसके कई प्रकार, डिफरेंसेस, इसमें अंतर, यूजेज इटीसी, और इसके उपयोग के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। वी डू नॉट फाइंड ऑल प्लांट्स अराउंड अस, हम लोग अपने चारों ओर सभी प्रकार के पौधे नहीं पा सकते। दे ग्रो इन डिफरेंट रीजन, वे अलग अलग जगहों में उगते हैं। बिकॉज दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, क्योंकि उन पौधों को अलग अलग प्रकार के मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को उसके मुताबिक जहाँ सूटेबल सॉइल और क्लाइमेट मिलता है वहीं पे वो उग पाता है, तो इसीलिए हर जगह पे हर प्रकार के पौधे प्राप्त नहीं होते हैं। और इसके नीचे में दिया हुआ है कीवर्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में ही बताया गया है, और यहाँ पे ये चैप्टर 1.2 समाप्त हो जाती है, और इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें और भी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग। तो आइए मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन
creepers and climbers, plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. For example, watermelon. But plants with weak stem take support of neighboring trees to climb up are called climbers. For example, pumpkin, etc. What are the aquatic plants? Plants which grow only in water are called aquatic plants. For example, water lily, lotus, etc. Where do cactus grow well? Cactus grow well in the desert. How are plants useful for us? Plants are useful for us because we get all the life-sustaining things from plants, such as food, medicine, fuel, etc. Name some cereals and pulses that you eat. Cereals are wheat, rice, maize, etc. Pulses are gram, masoor, moong dal, etc. Question number 2, true false diya hua hai. Isme sirf A number ka true hai, baki sab false hai. यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन को देखकर उसमें ट्रू फॉल्स टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर मैंने दे दिया है, आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन देखकर यहाँ से आंसर को देखकर उसमें भर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, यहाँ भी मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, आप अपने बुक से क्वेश्चन को देखकर और यहाँ पे आंसर देखकर आप उसको मिलान कर सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 1.2 पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।